उधर भारत से पाकिस्तान गई अंजू के परिजनों के खिलाफ हिंदूवादी संगठन भी जांच की मांग कर रहे हैं। हिंदू महासभा ने पुलिस को एक ज्ञापन सौंप कर उसके परिवार की गतिविधियों की जांच की मांग की है, क्योंकि हिंदू महासभा ने दावा किया कि उनकी 11 सदस्यीय टीम ने मामले की जांच की, जिसमें अंजू के परिवार की भूमिका संदिग्ध दिखाई दी। निश्चित रूप से ये लगता है कि कहीं न कहीं ईसाई मिशनरियों का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। उधर अंजू के पाकिस्तान जाने के बाद पुलिस के साथ इंटेलिजेंस एजेंसी भी पूरी तरह से इस मामले पर नजर बनाए हुए है और जो फैक्ट्स आ रहे हैं उसकी इंक्वायरी करेंगे। हिंदूवादी संगठनों का आरोप है कि ग्वालियर के पास टेकनपुर में बीएसएफ की एकेडमी है और इसी एकेडमी के पास अंजू का पैतृक गांव बौना गांव है और अंजू के दादा भी बीएसएफ में तैनात थे, जिस वजह से इस मामले में एक बड़े षड्यंत्र की आशंका है। पर अंजू के बाद चीन की एक और महिला भी अपने प्रेम के लिए पाकिस्तान पहुंच गई और पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक चीन की महिला की दोस्ती भी सोशल मीडिया पर हुई और उसे प्यार हो गया, जिसके बाद वो प्रेमी से मिलने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा पहुंच गई। और पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक चीन की महिला सुनगो फांग ने अपने 18 साल के प्रेमी जावेद के लिए इस्लाम धर्म भी अपना लिया और अपना नाम किस्वा रख लिया और वो जावेद से शादी करने का प्लान भी बना रही है। पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक जावेद खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के आदिवासी क्षेत्र बाजौर जिले का रहने वाला है, लेकिन वो निचले दीर जिले में अपने चाचा के पास रहता है। और पाकिस्तान की पुलिस के मुताबिक दोनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म स्नैपचैट के जरिए संपर्क में थे और दोस्ती प्रेम संबंध में बदल गई। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक सुनगो फांग टूरिस्ट वीजा पर पाकिस्तान आई है और वो 3 महीने तक वैध है।